हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल B2B अनलॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पर के बारे में। हॉस्पर एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ बनाती है, एक्सेसरी जैसे स्विच, होल्डर, वायर, सब कुछ बनाती है। और इस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। उसका रिव्यू मैंने किया है, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है मैंने और क्लोजअप से इस दिया हुआ है वीडियो। तो एक एक चीज़ आपको पता चलने वाला है, मजबूती कैसा है, कंपनी क्या करती है। और इस हॉस्पर का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप या रिटेलिंग करना है तो आप कैसे करेंगे, सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। तो बने रहिए वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबा घंटा ज़रूर बना दें। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए B2B अनलॉक। तो आइए देखते हैं, ये हॉस्पर का नन मॉडलर 6 एम्पियर में स्विच वन वे। इसका मॉडल नंबर है H013S3 के नाम से भी आता है ये। और नन मॉडलर काफ़ी मजबूत स्विच है, आप इसमें वीडियो में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ों को। देखिए इसका ये पैकेट है, रेड कलर के पैकेट में आती है, मैन्युफैक्चर है भारत इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ये देखिए ये हॉस्पर का स्विच है और ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है। पॉलीकार्बोनेट से क्या होता है कि इसकी मजबूती जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब आप इसको गिराएंगे पटकेंगे फिर भी ये टूटने से बच जाती है। और इसके जो भी स्क्रू दिए हुए हैं टोटल ब्रास में है, ब्रास में है तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना इसमें जंग लगेगी ना इसके पेच ख़राब होते हैं। लोकल स्विचेज में क्या होते हैं कि आपको रखे रखे स्विच में जो है रस्ट और जंग लग जाते हैं। ये देखिए ये हॉस्पर का फाइव पिन सॉकेट, साथ में स्क्रू भी दिया आता है, स्विच में भी स्क्रू है, ISI मार्कर सामने में दिया हुआ था और ये फुल ब्रास में है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है जैसे कि आप शाइनिंग देख पा रहे होंगे। और मजबूती के मामले में किसी भी बड़े ब्रांड से कम नहीं है। इसमें इतनी बड़ी होल दी हुई है कि आप इसमें 2.5 mm तक का वायर लगा सकते हैं और ये काफ़ी मजबूत होता है, कितना भी आप इसको टाइट करें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये हॉस्पर का नन मॉडलर में फ्यूज़, टोटल ब्रास की इसमें स्क्रू है, सेम चीज़ है पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई। शाइनिंग से आपको पता चलेगा कि क्वालिटी और फिनिशिंग कितनी अच्छी है इसकी। बिल्कुल स्मूथ है और अंदर में चीनी मिट्टी का यूज़ किया गया ताकि हीट को ज़्यादा ना करे, ज़्यादा भी हो तो इसको रोक देता है चीनी मिट्टी। काफ़ी अच्छी मटेरियल से बनी हुई है। आगे धीरे धीरे मैं सारे आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसका पैकेट है हॉस्पर का, इस तरह के पैकेट में आती है नॉन मॉडलर स्विचेस। ये है हॉस्पर का इंडिकेटर नन मॉडलर में जो कि काफ़ी स्मूथ है देखने में, सेम चीज़ है ब्रास की बनी हुई है। दोस्तों ब्रास की होने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि इसमें रस्ट तो लगता ही नहीं है, ऊपर से टिकाव भी होता है, आप इसको जितनी बार भी खोल बंद करें स्क्रू को टाइट करें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मजबूती के मामले में तो खैर कहना नहीं है। ये है हॉस्पर का 8 मीटर के अंदर में टेप आता है ये, और ये टेप बहुत अच्छा है और ये पानी में आग से जलता है तो काला धुआं भी नहीं देता है, सबसे अच्छी इस टेप की यही बात है। इसकी मजबूती बहुत अच्छी है, पानी में भी पकड़ लेता है और ISI मार्का के साथ है और बहुत अच्छा है। इस पर एक्सपायरी की भी डेट दी हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि टेप का इंसुलेशन जो है इसे ख़राब हो जाता है तो इसलिए इसमें एक्सपायरी भी दी हुई है कि इतने दिन के बाद आप इसका यूज़ ना करें। बहुत अच्छी है और ये आप देख सकते हैं हॉस्पर का
लाइन टेस्टर केमी स्क्रू ड्राइवर 20 पीस का पैकेट आता है और सारे का प्राइस मैं बताऊंगा आपको। और प्राइस जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहते हो या डीलर से लेना चाहते हो या फिर आप रिटेलिंग करना चाहते हो। प्राइस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये है हॉस्पर का लाइन टेस्टर, इसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। आपने बहुत सारे टेस्टर को यूज़ किया होगा, जैसे बड़े ब्रांड में आ जाते हैं टिपारिया वगैरह हो गए, तो उसी के टक्कर का आइटम है। मैं तो कहूँगा उससे बढ़िया है, इसलिए कि वेट इसका काफ़ी अच्छा है। आप इसको स्क्रू ड्राइवर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टेस्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये बेंड नहीं होता है, इसका स्टील इतना मजबूत है कि ये बेंड नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट सकता है लेकिन बेंड नहीं होगा। वैसे मैंने इसमें जितना ताकत था उतना मैंने लगाया, ये टूटा नहीं, काफ़ी मजबूत है और अच्छे मटेरियल का बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। काफ़ी मजबूत है ये। हॉस्पर का काउंटर डिस्प्ले आता है जिसे आप काउंटर पर रख सकते हैं। इसमें देखिए नॉन मॉडलर में 3 तरह के स्विचेज आते हैं, S1, S2, S3 और ये 5 पिन सॉकेट जो लगा हुआ है इसमें, काफ़ी अच्छा है। हॉस्पर के ब्रांडिंग के साथ में आती है और कंपनी इसमें गारंटी देती है कि जब तक ये स्विच टिकटॉक करते रहेगा आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये ख़राब हो जाता है और टिकटॉक कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए मैं मॉडलर के स्विचेज अब दिखाता हूँ आपको। इस स्विच का नाम है डॉली, 6 एम्पीयर के अंदर में आता है और इसकी MRP 52 रुपीज़ दी हुई है, लेकिन आपको काफ़ी कम में पड़ने वाला है अगर हम डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो। देखिए ये पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है और शाइनिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है, वाइटनेस इसका कभी ख़राब नहीं होता है, धूप में पीलापन आपको नहीं आएगा इसमें। पॉलीकार्बोनेट ऊपर में लिखा हुआ भी है, ISI है, ब्रास के स्क्रू दिए हुए हैं और इस स्विच में आपको एक चीज़ यूज़ किया गया है बॉल मैकेनिज्म का, इसमें स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है, ये बॉल पर चलता है तो ये स्विच ख़राब होने वाला नहीं है। कंपनी इसमें लाइफ टाइम की गारंटी देती है तो आप इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कभी भी ख़राब हो तो आप जाके इसको रिप्लेस करके दूसरा ले सकते हैं। ये 6 एम्पीयर के अंदर में आता है, ऐसे इसके सारे लोड के स्विचेस अवेलेबल हैं। एक और स्विच इसका आता है रॉकर मॉडल के अंदर में, ये भी 1 मॉडल का स्विच है, 20 पीस का पैकेट आता है इसमें, 6 एम्पीयर का है। इसका मॉडल कोड है R02, 60 रुपीज़ इसका MRP दिया हुआ है। खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए हॉस्पर की ब्रांडिंग दी हुई है और टोटल ब्रास की इसमें स्क्रू है और पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, तो मजबूती के मामले में सबसे टफ है अभी। बहुत अच्छा, बहुत ही कूल लगेगा देखने में भी। और इसमें आप 2.5 mm तक का भी वायर इसमें डाल सकते हैं, इतनी बड़ी इसमें हॉल दी हुई है, आराम से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये देखिए R11A मॉडल का ये 5-pin सॉकेट आता है मॉडलर के अंदर, 78 रुपीज़ इसका रेट है, लेकिन आप इसे अगर बड़े बड़े ब्रांड से भी कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम प्राइस में आपको मिलने वाला अच्छी क्वालिटी का चीज़। इसमें आपको एक चीज़ और मिलने वाला है, वो है क्लिप, जो कि बहुत सारी कंपनी अभी इस चीज़ को डेवलप नहीं की है लेकिन हॉस्पिटल ने कर देखा है।
इस क्लिप का फ़ायदा क्या होने वाला है मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये 5 पिन 6 एम्पियर के अंदर में पॉलीकार्बोनेट का मॉडलर सॉकेट, और इसमें भी सेम चीज़ है, ब्रास की स्क्रूज को यूज़ किया गया है। और देखिए ये क्लिप है, क्या होता है अक्सर जब हम टॉप लगाते हैं और उसे खींचते हैं, अगर वो अटक जाता है तो सॉकेट सहित बाहर आ जाता है। कभी कभी बहुत सारी कंपनी में ऐसा शिकायत मिला है, तो आसपास ने ये लॉक डेवलप किया है। इस लॉक को लगा देने से क्या होता है, आप कितना भी आप बाहर खींचोगे तो ये निकलने वाला नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा क्लिप दिया हुआ है, इसमें मैकेनिज्म काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है कि आप कितना भी इसको खींचो बाहर से निकलने वाला नहीं है। अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, छोटी छोटी चीज़ों को इसने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है जहाँ आजकल प्रॉब्लम होती है। काफ़ी अच्छा है, शाइनिंग भी काफ़ी अच्छा है, पीलापन नहीं पड़ने वाला आपका, डस्ट नहीं पड़ने वाला, जब भी आप इसे साफ़ करें आराम से साफ़ हो जाएगा। ये इसका 2 पिन सॉकेट है, हस्पर की ब्रांडिंग दी हुई है और फुल ब्रास मटेरियल में। वन मॉडल के अंदर में आता है 2 पिन सॉकेट। अब मैं आपको हस्पर के इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छा इंडिकेटर है, काफ़ी खूबसूरत है। ये भी सेम क्वालिटी में बना हुआ पॉलीकार्बोनेट का, और मजबूती के मामले में हॉस्पर बहुत अच्छा भी है। और सारे प्रोडक्ट इसके काफ़ी मज़बूत बनाए हैं और सारे प्रोडक्ट पे गारंटी भी दे रही है कंपनी, तो बहुत अच्छा चल रहा है ये अभी मार्केट में। ये 16 एम्पियर के अंदर है, वन मॉडल का, वन वे स्विच, और ये क्रॉस मार्क का मतलब ये नहीं है, ये पैकेट ओपन था इसलिए इस पर क्रॉस मार्क दिया हुआ है। देखिए 16 एम्पियर का वन वे स्विच, ये लोड के लिए आता है, जहाँ पे आपका हैवी लोड है वहाँ पे आप 16 एम्पियर का स्विच लगा, जैसे फ्रिज कूलर एसी वगैरह जहाँ पे आप चलाते हो वहाँ पे इस स्विच को डाला जाता है ताकि ये ख़राब ना हो जल्दी। लोड के हिसाब से सारी चीज़ को स्विच में बांटा गया। और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हॉस्पर का स्टेप रेगुलेटर, वन मॉडल के अंदर में, ये देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल लुक है इसका स्टेप रेगुलेटर, और क्रोम फिनिशिंग के अंदर में आता है, ये काफ़ी स्मूथ है ये, और अच्छे मटेरियल का बना हुआ है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अंदर में भी अच्छा मटेरियल दिया गया है और हीट इंसुलेटेड मटेरियल दिया गया है ताकि ये ख़राब जल्दी ना हो, और गारंटी के साथ में आता है वन मॉडल का। सेम आपको 2 मॉडल में भी आते हैं ये। ये देखिए 2 मॉडल का स्टेप रेगुलेटर और क्रोम फिनिशिंग के अंदर में आता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। जब से प्लेट में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखने वाला है ये। ऐसे ये बिना क्रोम के भी आते हैं, और भी मॉडल है इसका, डीमर भी आते हैं और स्टेप रेगुलेटर भी आते हैं, दोनों आते हैं इसमें। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया है, जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी जो प्रोडक्ट छूट जाएंगे आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका वीडियो बना के दिखा दूँगा, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं फ़ोटो डालते रहता हूँ। इसमें कंपनी वायर के साथ कुछ गिफ्ट कूपन भी देती है जो कि इलेक्ट्रीशियन को मिलता है, और देखिए एक एमएम के लिए 30 रुपये, और 1.5 एमएम के लिए 50 रुपये, और 2.5 एमएम के लिए 80 रुपये, और 4 एमएम का वायर जब आप परचेज करेंगे तो आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा है कूपन है। R14A ये है हॉस्पर का सटर वाला पावर सॉकेट जो कि आप हैवी लोड में चला सकते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है
कि मॉडलर होते हुए भी इसने चीनी मिट्टी का यूज़ किया है जो कि हीट को काफ़ी इंसुलेट करता है और ये ख़राब नहीं होता है। तो मॉडलर में भी चीनी मिट्टी यूज़ मैंने अभी तक पहली बार देखा है इसमें, और बहुत अच्छा लुक है, शाइनिंग बहुत अच्छा है और वेट तो रहेगा इसलिए कि ये चीनी मिट्टी है। क्वालिटी बिल्डअप के मामले में कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। आप इसमें आराम से 4 mm तक के वायर भी आराम से डाल सकते हैं। ये इसका बिना शटर वाला आता है R12PB, वो शटर वाला था जिसमें आप लगा सकते हैं कोई प्लग। इसमें भी आप कोई डाल सकते हैं, 6 एम्पियर का भी डाल सकते हैं और 16 एम्पियर का भी टॉप डाल सकते हैं इसमें आप। इसमें भी सेम चीज़ वही है, चीनी मिट्टी का यूज़ किया गया और ब्रास के इसमें स्क्रू दिए हुए हैं। स्क्रू भी काफ़ी अच्छे हैं, टाइट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देख सकते हैं इसमें 6 एम्पियर और 16 एम्पियर दोनों के इसमें आपके टॉप लग जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ फेस प्लेट हॉस्पर का मॉडल में। ये क्यूट मॉडल के अंदर में आता है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे प्लेट हैं, 1 मॉडल से ले जाके 18 मॉडल तक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ 6 मॉडल का दिखा रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारे प्लेट की क्वालिटी का। ये देखिए मैंने खोल के निकाल दिया। इसकी फिनिशिंग देखिए, शाइनिंग देखिए, और साथ में इसमें टफ स्क्रू भी दिए हुए हैं जो कि जल्दी बेंड नहीं होता है। बिल्डअप के मामले में किसी भी कंपनी से कम नहीं है और वेट के मामले में भी आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स इसको कंपेयर कर सकते हैं। वेट के मामले में भी काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी अदर ब्रांड से वेट करेंगे तो आपको ये ज़्यादा मिलने वाला है। मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ कि अंदर में क्या दिया गया है। ये देखिए अंदर में ब्लैक कलर का आपका फिनिशिंग दिया गया है और 8 जगह से ये लॉक होता है। आप देख सकते हैं इसमें स्टील का प्लेट दिया हुआ है ताकि आप इसको कितना भी आप टाइट करोगे तो ये टूटने वाला नहीं है। अक्सर क्या होता है कि आप जब स्क्रू टाइट करते हो तो कभी अगर ज़्यादा इधर उधर रहता है तो वो ब्रेक कर जाता है, लेकिन इसमें इस तरह की बात नहीं होने वाली है। आप स्टील का ग्रिप दिया हुआ, आप जितना चाहो उतना टाइट कर सकते हो। और देखिए इसका फिनिशिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ। देखिए इसमें मैंने दिखाया है कि इसका लॉक सिस्टम कैसा है, लेकिन ग्रिप दिया हुआ जो कि अच्छे से जाके फिटिंग हो जाएगा आपके प्लेट में। तो लुक काफ़ी अच्छा आने वाला है जब इसमें स्विच अप लगाएंगे। क्यूट मॉडल के अंदर में आता है और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें डस्ट नहीं लगने वाला है। अगर डस्ट लगता भी है तो आसानी से साफ़ हो जाएगा, इसलिए डस्ट कैच नहीं करता है ये पॉलीकार्बोनेट। काफ़ी अच्छा बिल्ड एंड फिनिशिंग है, बिल्ड क्वालिटी, वेट भी काफ़ी अच्छा है, मजबूत भी काफ़ी है। लोग आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मॉडल ऐसे आते हैं। ये देखिए ये फैंसी होल्डर है, 20 पीस के अंदर में आता है एक बॉक्स में, ISI मार्का है। बहुत सारे कंपनी जो है सर आपका ISI होल्डर नहीं बनाते हैं, लेकिन इसके जितने भी होल्डर हैं मैंने देखे हैं सारे ISI हैं। और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ इसे खोलकर। और इसमें लॉक सिस्टम जो दिया हुआ है टोटल आपको घुमाना पड़ेगा इसमें, सिर्फ ये नहीं कि आपने 30 डिग्री पे घुमाया और वो लॉक हो गया। उसमें क्या होता है कई बार लॉक होने के बावजूद भी वो गिर जाता है, लेकिन इसमें आपका गिरेगा नहीं, ये टोटल थ्रेड सिस्टम है। आप इसको जब लगाएंगे जंक्शन में और इसको टाइट कर दिए तो फिर गिरने वाला नहीं है ये। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फैंसी होल्डर। और इसका एक चीज़ और अच्छा है कि इसका स्क्रू निकलता नहीं है। दूसरी बात यह है
कि आप स्क्रू को जितना चाहे उतना टाइट कर सकते हैं, कंपनी ये बताती है। ठीक है, इस तरह से ये खुलता है और इसके स्क्रू में आप जितना जोर लगा के टाइट करना चाहे कर सकते हैं, इसका स्क्रू स्लिप नहीं होता है, इस चीज़ की गारंटी देती है कंपनी। या मैंने खुद ट्राई किया है इसको और जितना हो सकता था मैंने उतना टाइट किया, लेकिन ये स्क्रू स्लिप नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी देखिए आप, इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, वेट में भी काफ़ी अच्छा है। फस्पर का एक और होल्डर आता है 4x4 में, डीप स्क्वायर होल्डर, काफ़ी खूबसूरत लुक है इसका। आप इसे अपने घर में लगाएंगे या फिर आप सेल करेंगे इसे तो बहुत अच्छा बिकने वाला है ये। देखिए इस तरह का लुक आता है 4x4 में, और ये जंक्शन में आपका कहीं भी आप इसको फिट कर सकते हैं। इसमें बहुत मल्टी फंक्शन दिया हुआ है फिटिंग का, छोटे जगह पे, बड़े जगह पे, आप जहाँ चाहें वहाँ स्क्रू डाल के इसको फिट कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी यूज़ की गई है, सिर्फ इसका बॉडी अलग है, बाकी अंदर का मैकेनिज्म सेम है। काफ़ी अच्छा है क्वालिटी में भी, पॉलीकार्बोनेट के ऊपर का फेस दिया हुआ इसमें, तो मजबूती के मामले में और टफनेस के मामले में काफ़ी अच्छा है। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ फस्पर का MCB, इसमें MCB, RRCB, आइसोलेटर, ELCB सारे चीज़ इसमें आते हैं। मैं आपको एक चीज़ सिर्फ दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे दिखाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये नेक्सा मॉडल के अंदर में आता है, 6 एम्पियर से ले जाके 32 एम्पियर तक सिंगल पोल का MCV आता है इसमें, और इसमें कंपनी 5 साल की गारंटी देती है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर होता है तो कंपनी 5 साल के अंदर में इसको रिप्लेस करेगी, और ट्रिपिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है। पर्सनली मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, तभी मैं इस प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू कर पा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हॉस्पर का सबसे सुपर प्रोडक्ट, सुपर सेफ असली FR वायर, जो कि आपने अभी तक नहीं देखा होगा, तो और भी बहुत सारी वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वायर को जलाने से ये वायर जलता नहीं है, और अगर काफ़ी देर जलाने के बाद अगर ये जलता है तो काला धुआं नहीं देता है। सबसे बढ़िया ये चीज़ है इस वायर में कि वायर ख़राब नहीं होते इसमें, और दूसरी बात ये जलता है तो काला धुआं नहीं देता है, जिससे घुटन नहीं होती है और आदमी आराम से बच सकता है। तो जब भी आप अपने घर में वायर लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का वायर लगाएं, जैसे ये कंपनी दे रही है, और ये कंपनी अपने बॉक्स के पीछे में लिखी हुई भी है कि आप वायर को जला के चेक करें कि आपका वायर क्या कहता है, कितना टिकाऊ है आपका वायर। तो मुझे पर्सनली ये वायर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है, और इसे आप आपके नज़दीक में कोई अगर शोरूम हो, डीलर हो, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर नहीं है, डीलरशिप लेना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कंपनी के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ये इसका एक और स्विच आता है जो मैंने आपको नहीं दिखाया है, फ्लैट में आता है स्विच, जो बंद होने पर आपको फ्लैट रहेगा, ऑन होने पर अंदर की तरफ चला जाता है। मैं इसका कैटलॉग दिखा रहा हूँ आपको, इसमें सारे स्विचेस हैं और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में, अच्छे अच्छे मतलब आपके एरिया में जो ब्रांड होंगे उससे 30-40% प्राइस आपको कम मिलने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलिंग में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला, इसलिए आप इसको काम शुरू कर सकते हैं। इसका मॉडल MCV भी आता है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखा पाया। देखिए इसका प्लेट आता है रोमन मॉडल में, रोमन इंडिकेटर मॉडल में भी आता है, और थर्ड नंबर मैंने आपको क्यूट वाला दिखाया है अभी, प्लेट क्यूट सिल्वर भी आते हैं, बहुत सारे इसके प्लेट हैं, कलर्सफुल में भी प्लेट आते हैं। ये देखिए नॉन मॉडल का जो मैंने आपको दिखाया था, वो इसमें कंबाइंड बॉक्सेस वगैरह, 16 एम्पियर के स्विचेस वगैरह भी आते हैं, डिमर वगैरह भी आते हैं,
बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैंने आपको रिव्यू अभी नहीं दिया है। आपको जिस प्रोडक्ट का भी रिव्यू देखना होगा आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं और मैं उस टॉपिक के अंदर वीडियो बनाने वाला हूँ। ये देखिए विक्ट्री सीरीज़ यूरिया के अंदर में आते हैं। पहले जो चलते थे स्विचेस वो यूरिया के होते थे जो कि जल्दी टूट जाते थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे रूरल एरिया में यूरिया प्रोडक्ट यूज़ होते हैं तो कंपनी इस चीज़ को बनाती है। ये देखिए इसका बेबी सेफ बॉक्स आता है जो कि आपका नीचे में लगता है तो बच्चों से बच सकता है। ये MCV के साथ में आता है। ये देखिए पेंडेंट होल्डर, मल्टीप्लक्स, पेंडेंट स्विच और अलार्म भी हैं, बेल भी है, सारे चीज़ इसके आते हैं। ये देखिए जितने भी होल्डर हैं सब ISI मार्का में दिए हुए हैं, जिस ज़्यादा का आप देख पा रहे होंगे। 2-पिन प्लग्स है, 5-पिन टॉप है, 6 एम्पियर में, 16 एम्पियर में, सेलिंग रॉज है, हीटर एलिमेंट्स है। और ये देखिए MCV बॉक्स है, सिंगल डोर में, डबल डोर में, 4 मॉडल से ले जाके 16 मॉडल तक है। और MCV का बॉक्स इसका काफ़ी अच्छा है, वेट भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस तो आप जब इसको आप सेल कीजिएगा या जिसको आप परचेस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा, प्राइस इसका बहुत अच्छा है। ये सारे MCV RRCB और ये इसका वायर। तो किसी भी तरह के प्राइस की जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में हॉस्पर का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप ले और इसे काम करें। यह आपका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें डाउनलाइट भी आते हैं और डाउनलाइट में इसमें 2 साल की गारंटी आती है। इवन आपकी लाइट अगर कम भी हो जाती है, कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर लाइट आपकी कम हो जाती है फिर भी आप इसको रिप्लेस करा सकते हैं अगर लाइट कम हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो ये था हॉस्पर का, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाया है। प्रोडक्ट आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक छोड़ के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।